तो दोस्तों नमस्कार, मैं डीजे अमर जी, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों मैं देख सकते हैं पीछे दो छाते रखे हुए हैं और ये दोनों छाते सेम है। फर्क इतना है कि थोड़ा सा क्वालिटी में अंतर है, मैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। और जो एक हमारा ये ए भी हमारा आर्डर का है जो जाना है, और ये वाला जो छाता है ए भी आर्डर का ए भी जाना है। मैं दोनों का रीज़न बता देता हूँ। मैं तो जो हमारा ये छाता है ये जा रहा है हमारा नखलाऊ जा रहा है। अगर इस छाते की बात करते हैं तो हमारा ये चौरसिया जो रथ वाले भाई का है, और इनकी बात करते हैं ये रहने वाले जो हैं सिकंदरपुर के हैं, जैसे मेरे देख सकते हैं। तो इन्होंने नाम वाला छाता बनवाया है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने बनाने की दो रीज़न हुई कि अगर हमारे जो चौरसिया भाई हैं तो वीडियो के माध्यम से अपना सामान भी देख लेंगे, जो उन्होंने फ़ोन से हमको ऑर्डर दिया था कि अमर जी हमारा छाता बनाइए नाम का, तो भी देखने को मिल जाएगा, वो भी देख लेंगे और साथ में आप लोग भी देख लेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमने जरीना लगाई है, तो इसमें चमक वाली लगाई जरीना, जैसे देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर बेल भी लगाई है, यहाँ पर चार सिलाई मारी हमने। मोती की बात करते हैं तो मोती भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मोटी वाली मोती ही लगाई है, और यहाँ पर भी छल्ले लगाए हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं। और उनका सिकंदरपुर चौरसिया रथ बेकायदा पूरा हमने ये सब लिख के दिया है। और यहाँ पर लेस की बात करते हैं तो एक लेस यहाँ लगी है, एक लेस यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है और यहाँ लगी है। तो ये जो लेस हम लगाते हैं, इस लेस का लगाने का रीज़न एक ये हो जाती है कि यहाँ पर सिलाइयाँ हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ की भी सिलाई हो जाती है, और यहाँ भी एक सिलाई बढ़ जाती है, एक सिलाई यहाँ बढ़ जाती है, एक सिलाई यहाँ बढ़ जाती है, एक सिलाई यहाँ बढ़ जाती है, एक सिलाई है। इससे क्या होता है कि पूरे छाते कपड़े जो होते हैं एकदम कस जाता है, ताकि कभी फटे ना। अक्सर मैंने देखे हैं लूज वाले छाते जो मार्केट में बिक रहे हैं और नॉर्मल जड़ी कपड़े बना के आदमी बेच रहे हैं, और लोग वो लोग परेशान है, बोलते हैं अमर जी हमने मंगाया तो छाता हमारा मज़ा नहीं आ रहा, आपका छाता आया दो चार साल से चल रहा है। तो रीज़न सब यही चीज़ होती हैं। वीडियो के माध्यम से अगर और भी कोई भाई बना रहा हो तो थोड़ा सुधार करें, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारे पास से लें, आप कहीं से भी लें। पब्लिक थोड़ा सा बड़े मेहनत से पैसा कमाती है, थोड़ा अच्छा ही लें। और यहाँ पर देखो ऊपर उन्होंने छल्ले लगवाए हैं, यहाँ भी छल्ला लगा, यहाँ भी छल्ला लगा, यहाँ भी छल्ला। छल्ले की बात करूँ तो एक छल्ला, दो छल्ला, यानी हिसाब से 12 छल्ले हैं, नीचे भी पूरे 12 छल्ले हैं। यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, और लट्टू हमने यूज किया है। यहाँ ऊपर चाहो तो आप लाइट भी बांध सकते हैं। और बेकायदा जो चीज़ हमने यहाँ पसंद किया वही चीज़ हमने यहाँ पर टिकली लगा दी है। और जाल की बात करता हूँ, 12 तीली ऊपर है और 12 तीली नीचे है। और साथ में एक चीज़ हमारा भी बड़ा है, और बहुत लोग कहते थे कि स्टैंड डंडा स्टैंड क्या मिलता है नीचे, कंफ्यूज रहता था। तो हमने जो है ऑलरेडी अपना स्टैंड बना लिया, जैसे मैंने कहा रहा था बहुत जल्दी मेरा स्टैंड बनने वाला है, और उसी स्टैंड की मैं आपको कीमत भी आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप देख सकते हैं नीचे मेरे ये स्टैंड, देखिए ये चीज़ है, ये हमने स्टैंड बनाया, काफ़ी मजबूत स्टैंड है अगर मेरे क्वालिटी के हिसाब से देख सकते हैं आप। ये लोहे का स्टैंड है, इसको जितना चाहें उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी हमने गुटकी लगाई हुई है, और इसकी एक मोटी मोटा भी देख सकते हैं लोहा, यहाँ पर हमने रिपीट लगाया है। और ये पूरी फोल्ड है ये जो स्टैंड है, और यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पूरा जितना मर्जी हो उतना मर्जी उठा सकते हैं। तो ये हमने सब स्टैंड भी बना के हमने तैयार कर लिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं सब स्टैंड हमारे लगने लग गए हैं। वीडियो के माध्यम से गाइस देख सकते हैं ये स्टैंड है हमारा, और काफ़ी मजबूत स्टैंड हमने बनवाया है, ताकि हमने, क्योंकि रेडीमेड का मैं काफ़ी स्टैंड यूज़ करता था, वो सब ख़राब हो गए मेरे। मैं ऑनलाइन मंगाता था 400, 500, 350 का एक स्टैंड, और वो ख़राब होते थे, क्योंकि उसको रिपीट होती है, सब ख़राब हो जाते थे। तो हमने काफ़ी ये वजन है, और ये हमने अपने दिमाग से बनाया है, और इसको खोलना भी बहुत आसान है। इसको ऐसे करके आप खोल सकते हैं, इस मेल से जितना मर्जी हो उतना आप लगा सकते हैं। और जो हमारा डंडा होता है, जो हमारा डंडा हम लोग देते हैं, उसको यहाँ से आसानी से आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा स्टैंड हो गया, आराम से इसमें हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ पास भी इसको देख सकते हैं आप, ये चीज़ जी। तो क्वालिटी की बात हम जो कर रहे हैं तो क्वालिटी अक्सर हमने अच्छी दी है, इस हिसाब से जैसे क्वालिटी में कुछ ना कुछ नया देता हूँ। और बहुत सारा जो वीडियो बनाता हूँ मैं, तो सोचता हूँ आपको सिर्फ अच्छा ही मिले। तो वो लोग कहते थे कि हमारी छतरी, बाकी मैंने दिया भी है, काफ़ी लोग ले गए हैं छतरी, ऐसा तो नहीं ना कि मैं आज 2-4-5 साल तक अगर आपको छतरी दे रहा हूँ तो सब ले गए हैं, सब डंडे के सहारे ले गए थे। तो वक्त के हिसाब से मैंने सोचा कि चलो कुछ चेंजिंग करता हूँ मैं, तो मैंने ये स्टैंड बना दिया है। जिस भाई को स्टैंड लेना है, जो हमारी पिछली छतरियाँ ले गए हैं उनके पास स्टैंड नहीं है, तो भी स्टैंड अपना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, अपना ऑर्डर फ़ोन द्वारा लगा सकते हैं। और जो भाई अगर नया लेना चाहते हैं तो वह स्टैंड ज़रूर लें, अगर, क्योंकि ऐसा होता है ना साइड में जाते हैं बहुत लोग कहते हैं भैया बारात आधा घंटा बाद उठेगी, और छतरी ले पब्लिक जो खड़ी रहती है परेशानियाँ होती थी। तो इस वजह मैंने सोचा कि चलो स्टैंड बना, कम से कम छतरी ये रखी है, हमारी बारात चले तो स्टैंड अपना बाहर निकाल भी सकते हैं, फिर दरवाजे पहुँच जाए तो स्टैंड आराम से फिर रखते। ये स्टैंड मैंने बनवा दिया है,
तो ये भी साथ में आप ले सकते हैं। जो हमारे चौरसिया भाई का जो छतरी थी इसमें भी स्टैंड अटैच नहीं था, तब मेरा स्टैंड नहीं बना था, अब मेरा स्टैंड बन गया। अगर चौरसिया भाई भी हमारे देख रहे हैं, अगर स्टैंड लेना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और जितने भाई हमारे छात्री ले रहे हैं वो भी स्टैंड अपना लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो नए भाई अगर ले रहे हैं तो स्टैंड अगर लेना चाहते हो तो वो भी हमारे से कंफर्म कर लेंगे, तो मैं आपको स्टैंड की मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम लोग दाम की, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अमर जी छतरी कितने की है, हम अपना रेट बताते हैं, वो किसी और से पूछता है, फिर वो भाई और किसी से पूछता है, कुछ लोग दाम में अटक जाते हैं, हमारी तस्वीर लेकर किसी और को देते हैं, उनकी तस्वीर लेके हमको देते हैं। तो मैं आपको पहले चीज़ का मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप देखिए आज मैंने दो छतरियाँ लगाई, इसका रीज़न यह है कि दोनों छतरियाँ सेम है, उसमें भी लट्टू है, इसमें भी लट्टू है, लाल इसमें भी है, सफ़ेद उसमें भी है, और सेम तिबल्लेस है, तिबल्ले से भी है, यहाँ पर सूरज बना है वहाँ भी सूरज बना हुआ है, यहाँ पे छल्ला है वहाँ भी छल्ला है, मगर अंतर 2-3 हजार रुपए का अंतर कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये कपड़ा लगा हुआ है इस कपड़े में, उस कपड़े में जो अंतर है 40 रुपये मीटर का अंतर है, आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। जब कभी भी आप मार्केट में एक वाइट शर्ट लेने जाते हैं तो शर्ट 250 की भी होती है, 210 के भी मिलती है, तो रीजन बस यही हो जाता है कि थोड़ा सा कपड़े में हम लोग कम ज्यादा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोतियां में भी कम कर लेते हैं, जैसे मोती हमारी सस्ती है और ये मोती थोड़ी सी महंगी लगी है, और यहाँ पर एक छल्ला हम लोग ऊपर नहीं लगाते हैं और यहाँ पर छल्ला लगा देते हैं, तो ये दो चीज का अंतर आ जाता है। इतना ही से कम करेंगे तो हमारी 8-16 छतरी होती है, और जिसमें कम से कम जो अंतर आता है कम से कम 3-3 हजार का अंतर आ जाता है, तो रीजन यही होती है दोनों छतरी अच्छी होती है। तो हमारे पास दोनों हैं, आप कभी भी ले सकते हैं, अगर आप लोग को लेना चाहते हैं तो इस नंबर में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ये कहोगे ये नंबर बहुत बिजी रहता है, तो हाँ भाई ये बिजी रहता है क्योंकि पुराना नंबर हो चुका है, तो आप इस नंबर में भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो नंबर चल रहा है, और साथ में यह दोनों आपसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, दोनों का रेट पूछ सकते हैं, दोनों का रेट हम बता देंगे। आप बोला कि मोबाइल में रेट हम क्यों नहीं बताते, इसका रीज़न होती है कभी रेट कम होता है कभी रेट ज़्यादा होता है। भाई अभी हम बता दें, वीडियो 2 साल बाद देखें, 1 साल बाद देखें, अचानक रेट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये तो भाई मार्केट के हिसाब से होती है, कभी कुछ चीज़ महंगी होती है कुछ चीज़ सस्ती होती है, तो रेट हम लोग मोबाइल से आपको बता देंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आपको पसंद आता हो तो फटाफट वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, बहुत पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं और अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल के जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो लाल वाला बटन है, और बहुत जल्दी फिर एक नया वीडियो आपको मिलेगा। जब तक वीडियो, जय हिंद जय भारत।